नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल दिल्ली पर। तो आज हम आ चुके हैं, आप इस साइड देख रहे होगे, इस साइड मेरे राजीव नगर पड़ता है और उस तरफ पड़ता है नवीन विहार। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएंगे, बरवाड़ा रोड जो है वो पड़ता है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा पूरा एक बार रोड दिखाएँ, उसके बाद आगे हम बात करेंगे इस रोड को लेकर और इस आने जाने के जो संसाधन है यहाँ पर, इसका कितना बुरा हाल है और यहाँ पर जनता और आम नागरिक जो हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, वो कितने परेशान हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, कैमरामैन ने दिखाया आपको कि इस रोड का, बरवाड़ा रोड का कितना बुरा हाल है। आप देख सकते हो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर ये रोड इसी हालत में है और इसी खस्ता हालत में यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। कई लोग पानी में गिरते भी हैं, उनको चोट भी लगती है, दुकानदारों को बिजनेस में भी, अपने काम में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो MLA हैं, जय भगवान उपकार आम आदमी पार्टी के, और जो निगम पार्षद हैं धर्मेंद्र, दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। और निगम पार्षद जी का जो घर लगता है वो पास में ही शुक्र बाज़ार रोड पर बताया जा रहा है। इतना पास होने के बाद भी जो बरवाड़ा रोड है, आप उसकी हालत देख रहे हो, उनका आना जाना भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से नहीं आते जाते होंगे। रोड का इतना बुरा हाल है, जनता को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हो यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट है, शॉप्स भी काफ़ी ओपन हैं, अलग अलग तरह की दवाई की दुकान है, परचून की दुकान है, और इस तरह से लोग परेशान हैं। बाइकों पे आप देख रहे हो इतना इतना पानी है, और बारिश के टाइम तो यहाँ और ज़्यादा बुरी हालत हो जाती होगी। हम यहाँ पर रहने वाले लोकल दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस रोड की वजह से उनको कितनी परेशानी और कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो भाई साहब की यहाँ पर एक शॉप है, मिठाई की दुकान है, इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर इनको इस रोड से लेकर क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जी भाई साहब, आपके यहाँ दुकान है जो मेन आपकी दुकान है यहाँ पर बरवाड़ा रोड पर है, इस रोड की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है सारी, दुकान खोलो मत खोलो बराबर है। जो निगम पार्षद हैं वो तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पास ही में रहते हैं, चक्कर काटते कोई सुनते ही नहीं है, बिल्कुल अपने निकल के जाते हैं पर कुछ दिखते नहीं है बिल्कुल। तो वोट मांगे टाइम पे तो 5 ही आएंगे, या कोई सुनकर राज नहीं है बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं यहीं पर लोकल पर्सन में रहता हूँ, ठीक है। और अजीत सिंह, क्या है कि यहाँ पे ना ये पानी, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है या नाली होगा जो भी है, उससे सिर्फ और सिर्फ लोकल पर्सन को दिक्कत है, जो कि यहाँ की आम जनता है। किसी पॉलिटिकल पर्सन को यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मरो या जियो कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर ये पानी का निकास हो जाए
जो वहाँ पे नालियाँ जाम है वहाँ पे ही एमसीडी काउंसलर जो धर्मेंद्र जी हैं वो अपना यहाँ पे काम इसको करते नहीं है। इलेक्शन हुए अभी 2019 में इलेक्शन हुआ था तब कुछ बताया गया इस रोड के बारे में कुछ? इसका कितनी बार तो नारियल फूट चुका है इस वाले रोड का उस वाले रोड का। गवर्नमेंट ऐसी है काम पहले करती है। अब इस रोड पे ये पूरा अच्छा खासा रोड बना हुआ था इस पे सीवर डाल के इसकी कोई मरम्मत नहीं करी। आप आगे 25 सीवर डालने का आपको बताऊं, सीवर डालने का 2019 में जब इलेक्शन शुरू हुए थे इलेक्शन के टाइम पर तीन से चार महीने में सीवर डालने का पूरी अच्छी तरह से काम किया गया। इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए उसके बाद ये काम वैसे का वैसा अटका हुआ है। बाकी जनता से भी हम बात करेंगे और देखेंगे पूछेंगे उनसे कि इस रोड को लेकर उनको और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। अब कई दुकानदार हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह की दुकानें हैं और भाई साहब आप यहीं के लोकल हो तो इस रोड की वजह से जो इतना ख़राब रोड है इसकी खस्ता हालत इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है सर, देखो अब पानी भरा हुआ है, आगे चल के एक गड्ढा है, कोई भी उसमें बाइक वाला आता है गिर जाता है, किसी के फ़ोन गिर रहे हैं, नुकसान तो सबका ही हो रहा है, रोड क्रॉस करना मुश्किल है। लोग अगर गिर रहे हैं उनको उठाने के लिए भी लोग जाने में दिक्कत करते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, जाने में लोग कतराते होंगे कि इसको उठाएं ना उठाएं हम भी भीग जाएंगे, हम गड्ढे में ना गिर जाएं, कुछ ऐसा भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, है ना। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आपकी यहाँ दुकान है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस रोड को लेकर? दिक्कतें तो पूरी है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई एक्शन ले रहा है इसके लिए या नहीं ले रहा? लेकर आज भी गए थे धर्मेंद्र के पास, कह के आए, कह रहा था सोमवार को आऊँगा। देखो सोमवार को क्या करेंगे? अब देखो क्या करते करे आऊँगा मैं, आज सभी गए थे, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं रोड कब की पानी भरा है, कोई पता नहीं कब आए कब नहीं है। यहीं रहती है माता जी? नहीं मंगल वो हनुमान चौक मार्केट से सामान लेने आते हैं। ये सामान लेने आपको दिक्कतें होती होंगी आने जाने में? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए रिक्शा वाले आए हैं, कितनी बड़ी मुश्किल से यहाँ से रिक्शा पास होती है, पानी पूरा भरा हुआ है, रिक्शा के टायर भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, ऑटो देख रहे होगे आप कितना पानी भरा हुआ है। अगर ये इस टाइम जब बारिश नहीं हो रही है तब की हालत है ये, और अगर यहाँ बारिश हो जाए तो दुकानों में भी पानी चला जाता है, दुकान वाले इससे बहुत परेशान हैं। और आने जाने में तो आपको हम दिखा ही रहे हैं लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं पानी से बचने के लिए, बाइक पे ऊपर पैर रख कर जा रहे हैं, ज़्यादा दिक्कतें ना हो उनको पानी में, कहीं वो भीग ना जाएं या गिर ना जाएं, गड्ढों से बचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस पानी में गड्ढे दिखेंगे क्या, ऐसे आपको लग रहा है? अंकल जी आप यहीं लोकल हो, रोड सारा ख़राब है। खराब तो है ही भैया, क्या करें, क्या कार्रवाई है आगे MLA और निगम पार्षद की तरफ? निगम पार्षद तो सुनता ही नहीं है, निगम पार्षद तो पास में ही बताते हैं, पास में ही रहता है, पास में रहता है, वो सुनता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अब यार नाली खोल दी, आ गया तो आगे आराम से आना, में लोगों ने डलवा रखी है, इस कारण डलवा रखी है, नाली फुल भरी हुई है। अब यार नाली का पानी खोल दिया जाए तो यहाँ धम्भर चल कर देख रहे हो, नाली फुल भरी हुई है तो इसका रोड का पानी जाएगा कहाँ? नाली साफ नहीं होगी तो पानी कहाँ होके निकलेगा भैया, सुनता ही नहीं है कोई। बारिश के टाइम में तो दुकान में के अंदर भी पानी चला जाता है, दुकान के अंदर तो पानी खैर नहीं जाता, चला भी जाएगा ये तो फिर रोड पे चलेगा पानी, समझे? और नहीं मानेंगे ना तो ये रोड का पानी वो कह देता है कि मट्टी डाल रखी है दुकानों के आगे, मलबा डलवा रखा है, इसलिए रोड का पानी नहीं जाता, बारिश का पानी है। अच्छा। और जब ये दुकान रोड पर जब नहीं मानेगा ना तो नाली का पानी खोल के फिर ये चलाया जाएगा रोड पर ही, तब तो उसे पता लगेगा नाली का पानी निकलता नहीं निकलता है, ऐसा दुखी कर रखे हैं इन्होंने, क्या करें मालिक, परेशान है भैया। तो यहाँ परेशानी तो सबको है, आप देख रहे हो बुज़ुर्ग आदमी का, एक और यहाँ पर बात है कि नालियाँ भी साफ़ नहीं है तो रोड का पानी आखिर जाएगा कहाँ। इस टाइम थोड़ा सा बाज़ार लगा हुआ है, रेडी फेरी वाले भी यहाँ पर लोग हैं, काफ़ी जने हैं, और कई दुकानें ऊँची हैं जिनके यहाँ पानी वगैरह नहीं जाता होगा, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो रोड के लेवल पर हैं, रोड के लेवल के होने की वजह से बारिश के टाइम काफ़ी पानी उनके यहाँ दुकान के अंदर जाता होगा चलने में, और हमें भी दिक्कत ही हो रही है, हम भी सहारे से बचते बचाते कि जैसे तैसे आ रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने दिनों से बारिश भी नहीं आई है, लेकिन बारिश के बाद भी देखा जाए तो कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी चार चार फुट तक पानी भर जाता देखा जा, लेकिन आज तो 2 फुट का पानी है, अगर कोई बच्चा यहाँ से भी गुजरता है या फिसल जाए तो आराम से डूबने के चांसेस रहते हैं। कल भी मैंने देखा था एक बाइक वाला गिर गया, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई उठाने वाला नहीं आ रहा है कि कैसे, अगर वो उसका डाई एक तरह से एक्सपायर हो जाए तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी के अंदर जो है गड्ढे वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी, यानी कि अगर किसी बड़े गड्ढे में बाइक चली जाती है या किसी को मेजर चोट आ जाती है, बाइक पे बच्चे भी होते हैं लेडीज़ भी होती हैं,
अगर किसी को मेजर चोट आ जाए और उसकी बाई चांस अगर डेथ हो जाए तो उसका जवाबदेह कौन होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं यहाँ पे, निगम पार्षद के पास भी लगा चुके हैं, एमएलए के पास भी लगा चुके हैं, तो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन जो लगाते हैं यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं वो एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसके आगे कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते? नहीं, उसके बाद तो कोई देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पे झाड़ू पहले लगती थी, वो भी अब सफाई भी नहीं हो रही है। अगर इधर नालियों की सफाई भी कर दी जाए ना प्रॉपर, तो ये पानी नहीं जमा होगा यहाँ पे। अच्छा, मेन ये भी बताया जा रहा है कि नालियों की वजह से भी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी पास नहीं हो पा रहा है। रोड पर पानी भरा हुआ है, नालियाँ भी भरी हुई हैं, तो पानी पास नहीं हो पाता। पूरी नालियों का ओवरसीज हो रखा है, ओवरफ्लो हो रखा है। अगर थोड़ा सा भी इसमें से कूड़ा या कचरा निकाल दिया जाए तो ये पानी रोड पे नहीं आएगा। अब ये थोड़ी सी बारिश हुई थी, ये रोड की हालत भी आप देख रहे हो, अगर नालियाँ भी साफ हो जाएं तो रोड का पानी कैसे जाएगा उसके अंदर, क्योंकि रोड तो लेवल में है ही नहीं नालियों के। अब ये देखा जाए, रोड कोई भी बनता है, नया प्रोजेक्ट पास होता है तो 4 से 5 इंच का रोड बनता है। यहाँ पे सिर्फ जब रोड बना था तो सिर्फ 1 इंच का माल लगाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यह पानी खराब हो चुका है। पिछले साल ही लगा था, सितंबर अक्टूबर में रोड बना था ये, अभी ये बिल्कुल भी ऐसा हो गया। 1 साल के अंदर रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है। समस्याएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं लोगों की, और काफ़ी गंभीर समस्या है जनता के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मेन मुद्दे जो हैं, उनकी अगर सहूलियत ये की जाए तो जनता उसी में ही अपने निगम पार्षद और एमएलए से खुश रहती है। लेकिन अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे और समस्या उत्पन्न होती है इस चीज़ को लेकर। इस रोड के लिए आगे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आगे क्या काम हो रहा है, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, वो आगे क्या करेंगे, वो आगे देखने वाली चीज़ें रहेंगी। और इसी तरह हम आपको लोकल मुद्दों के बारे में, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचे। और इस पर जनता का ध्यान तो है ही है, साथ के साथ सरकार का भी, और जो आम आदमी पार्टी के एमएलए और निगम पार्षद हैं उनका ध्यान जाए और इस रोड का कुछ ना कुछ काम किया जाए। आपके यहाँ एरिया में कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कोई कवरेज करानी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ चेक देम आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।